दोस्तों आप यूज करते हैं इंटरनेट को, आप यूज करते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स को, और दोस्तों यहां पर आप बैठे हो घर पर, दोस्तों सडनली आपके बैंक से आता है मैसेज कि आपका अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? अब दोस्तों यहां पर वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये सारी बातें जो है वो जानोगे आप इस सेशन में। और दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं इसी रिकॉनेसेंस अटैक के बारे में, जो कि एथिकल हैकर्स तो नहीं बल्कि इलीगल हैकर्स काम में लेते हैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखती रहिए, मैं आपसे आज बात करूंगा यहाँ पर रिकॉनेसेंस अटैक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हैकर जो है वो हमारे साथ जुड़कर, हमारे दोस्त बनकर हमारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और बाद में उसी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट हमें यहाँ पर एक्सटॉर्ट करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी हैकिंग अटैक की, तो यहां पर जो है उसके अंदर आता है एक और अटैक जो कि होता है रिकॉनेसेंस। अब दोस्तों रिकॉनेसेंस एक ऐसा अटैक होता है जो कि एथिकल हैकर्स तो नहीं बल्कि इलीगल हैकर्स लेते हैं काम में। अब दोस्तों यहां पर हैकर्स जो है वो होते हैं कई तरह के कैटेगरीज के। अब जैसे कि आपके पास व्हाइट हैट हैकर्स होंगे, ब्लैक हैट हैकर्स होंगे और ग्रे हैट हैकर्स होंगे। अब ये तीनों हैकर्स का काम है अलग अलग एक दूसरे से। अब तो दोस्तों यहां पर जो कंपनीज है बेसिकली वो हायर करती है कुछ एथिकल हैकर्स को, ताकि वो जो है वो उनके सिस्टम्स के अंदर से जो है वो वल्नरेबिलिटीज को निकाल सकें, वल्नरेबिलिटीज को जो है वो देख सकें और उनके सिस्टम्स के अंदर किन किन सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर बात करनी चाहिए उनको वो हाईलाइट करके कंपनी को बता सकें। अब दोस्तों यहां पर हमारे सामने निकल के आता है एक अटैक जो कि होता है रिकॉनेसेंस अटैक। और दोस्तों यहां पर इस अटैक का नाम सुन के काफी लोग जो है वो आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई किस तरीके से जो है हम लोग इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो है वो काफी ज्यादा लोग जो है वो पूरी दुनिया जो है बेसिकली वो इंटरनेट को तो यूज करती है, और दोस्तों यहां पर उसमें से आप भी एक पर्सन होंगे जो कि इंटरनेट को यूज करते होंगे। अब दोस्तों यहां पर अगर आप इंटरनेट को यूज करते हैं तो डेफिनेटली अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि आपके पास यहां पर बैंक की वेबसाइट हो सकती है या फिर आपके पास ऑनलाइन फॉर्म्स होंगे जो कि आप फिल करते होंगे, आपकी ईमेल होगी, आपकी पासवर्ड होगा, या फिर आपके फेसबुक अकाउंट्स होंगे, आपके ट्विटर अकाउंट्स होंगे, या फिर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स होंगे, मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि आपको लगता है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव है और आपने उसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो यहां पर नहीं किया, कोई भी उसकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसे में आप जो है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो उससे बचने के लिए यहां पर हैकर्स के लिए वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि यार ये जो पर्सन है वो तो अपनी सिक्योरिटी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहा, तो ऐसे में इसका जो सिस्टम है उसको ब्रेक डाउन करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम जरा बात करते हैं इसी रिकॉनेसेंस अटैक के बारे में और दोस्तों समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का जो फंडा है वो क्या निकल के आता है। अब दोस्तों यहां पर जो रिकॉनेसेंस है उसका मतलब ये है कि आपके पास या तो आपका कोई हैकर फ्रेंड होगा, या फिर मान लो आपका कोई फ्रेंड होगा, या फिर आपका कोई रिलेटिव होगा जो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो यहां पर मैं बोलूंगा ना लेना चाहता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर आपको जो है वो यहां पर हानि पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में आप जो है उसको अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, मतलब आपसे वो ये पूछ सकता है कि आपका मेल आईडी क्या है, आपका जो आपके पास यहां पर ट्विटर का पासवर्ड क्या है, आपका फेसबुक का पासवर्ड क्या है, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स पूछ सकता है। तो अगर आपको यहां पर ऐसा लगे कि आपको यहां पर कोई भी ऐसी डिटेल्स पूछ रहा है, तो डेफिनेटली आपको यहां पर समझ जाना है कि ये जो यहां पर पर्सन है या तो ये किसी को प्रोवाइड करेगा आपकी कंप्लीट आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को, आपकी पर्सनल डिटेल्स को किसी हैकर को, और वो बाद में जो है आपके साथ क्या कर सकता है वो आपको यहां पर बेहतर तरीके से मालूम है। अब दोस्तों यहां पर ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें हम लोग अक्सर टॉलरेट करते हो दोस्तों, उसी टॉलरेंस की वजह से हम लोग यहां पर पड़ जाते हैं बड़े बहुत ही नुकसान में, ताकि हमें जो है यहां पर पता नहीं चलता और फिर बाद में जो है हम ये सोचते हैं कि यार अब हमारा रिकवर होने का कोई भी चांस नहीं बनता। अब दोस्तों यहां पर जो रिकॉनेसेंस अटैक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपके पास जो हैकर है बेसिकली वो आपके सिस्टम को पकड़ता है टारगेट, यानी कि ये कि आपके सिस्टम का टारगेट जो उसको पता चल जाता है, मतलब ये कि एक टारगेटेड सिस्टम, अब मान लो कि एक टारगेटेड सिस्टम मतलब मान लो पांच सिस्टम है, तो पांच सिस्टम में से एक सिस्टम को जो है वो हैकर सेलेक्ट करेगा और वो ये समझेगा कि ये मेरा टारगेटेड सिस्टम है जिसकी सारी डिटेल्स, सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सारी जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, सारी जो आपके पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है पर्सनल, उसको जो है वो मेरे साथ में यहाँ पर फेच कर लेना है। तो ये जो काम है ना ये काफी ज्यादा उसके लिए आसान तब होता है जब आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। अगर आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखोगे तो उसके लिए काम को करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वो क्या करेगा कि अब जो है वो यहाँ पर तरह तरह की वल्नरेबिलिटी जो डेटा है उसको भेजेगा। अब मतलब मान लो कि आपके पास जो है वो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना वल्नरेबल इमेल्स होंगे, आपके पास जो मेलवेयर्स होंगे वो होंगे, आपके पास तरह तरह के जो है बोलूंगा ना मेलवेयर साइट से जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो मेल्स आ सकते हैं, ईमेल्स आ सकते हैं। अब आपके पास एक फॉर्म आता है और दोस्तों आपके फॉर्म के अंदर आपसे वो मांगता है कि आपका ईमेल एड्रेस दे दो, आपका पासवर्ड दे दो। दोस्तों जैसे आप उसके ऊपर अपना पासवर्ड ईमेल एड्रेस देते हो, बाद में उस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो
आपके पास पूरा फॉर्म था वो एकदम फेक था। तो ये जो चीज है ना, ये काफी ज्यादा जो है ना नॉर्मल यूजर टॉलरेट करते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी जो है ना एक बहुत ही बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। इसको आप जो है वो अपनी मेंटेन करके रखते हो तो डेफिनेटली आप हर खतरे से बचे हुए हो, और इसीलिए हैकर जो है वो इतनी आसानी से आपके सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब क्लाउड के अंदर भी जो है, हम लोग अगर बात करते हैं तो क्लाउड के अंदर भी जो है वो काफी ज्यादा, मैं बोलूंगा ना, सिक्योरिटी कंसर्न लेने की जरूरत है। सिक्योरिटी कंसर्न एक ऐसी चीज है जो कि आपको यहाँ पर करनी चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए कि किस तरीके से सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, ताकि आसपास जितने भी हैकर्स हैं वो आपके सिस्टम को क्रैक डाउन ना कर सके और ना ही आपकी जो कंप्लीट या फिर पर्सनल डिटेल्स हैं वो मार्केट में रिवील हो सके। तो यार ये भी सारी कंप्लीट कहानी इसी रिकॉन्सेंस अटैक के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।